पुलिस चौकी में केस भी दर्ज कराने जाओ कोई आदमी पीड़ित तो विधायक से फोन कराना पड़ता है। 36 कौम और हर धर्म का व्यक्ति कोई वोट दे रहे हो फतेहपुर में तो वो श्रवण को है नहीं, अठे जगह लोग घूम रहे हैं बैठे के राजीव साहब बैठे 20 साल घूम रहे हैं तो मन तो एक चीज बता दो क्रेडिट है, गाँव का आदमी ने मौको दे दियो जाए तो वो बहुत आगे निकल जाए। पिछले बार भी MP की टिकट मेरे घर पे आके गई, मैंने मना कर दिया कि मेरे बच्चे छोटे थे मेरा बूढ़ भी नहीं था, कि फतेहपुर को आदमी -5 डिग्री ले और 50 डिग्री झेल है तो भी किसान मेरे जीन बहुत मजबूत। सबको पता है इस वीडियो को जो देख रहे हैं कि मैं पैसे कमाने राजधानी नहीं आया, भगवान की दया से मेरे पास 2 रुपए हैं तो फतेहपुर को हेरिटेज बनाने का मेरा पक्का करेंगे। ऐसा कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, राजनीति से मेरे मन की नहीं है। राम राम जी, मोक्ष भूजल को सिखर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में थे देख रहा होगा कि भाई सरवन जी ही जो फतेहपुर से आने बीजेपी विश्वास करके टिकट है बात दी है, और बताना चाहूंगा कि भाई 30-35 साल से ये शिक्षा नगरी के अंदर है और 30-35 साल ये अपनी जो जिंदगी है बा शिक्षा नगरी के अंदर दी है, क्योंकि सिखर के अंदर आज अपन जब बात करें सिकर के नहीं पर राजस्थान की बात कर ले तो बहुत सारा लोग ही बाने गुरु मानी ही, और बहुत सारा बच्चा आका जो कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियरिंग है कोई कुछ है, तो बातचीत करांगा सरवन जी सबसे पहले तो राम राम स्वागत है। शुरुआती दौर में बात करना चाहूंगी कठे थारो जन्म हुई हो कठे थारी पढ़ाई लिखाई हुई, मोटी मोटी बात बताओ अपनी जिंदगी। फतेहपुर सिकर में जन्म हुए मेरो, के बाद में पढ़ाई में रतनगढ़ करी सुहागढ़ करी फतेहपुर करी, बी के बाद में सिलेक्ट इंजीनियरिंग 1990 में जब कोटा इंजीनियरिंग डिग्री करी। कोटा में इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हो जना बैठे में दर्द महसूस कर रहे हो कि गांव का बच्चा को कोई बहुत ज्यादा गाइड को नहीं करे, जहां मैं 96 में मेरी डिग्री पूरी होता है सीकर मार कोचिंग स्टार्ट करी। बी टेम इंजीनियर डॉक्टर बनाने की बात करनो पागलपन थी कहता लोग कि वो भी उसके है, बट मैं एक जुनून व्यक्ति रही हूं हमेशा, मैंने कहा नहीं CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बने इंजीनियर बने अपना, उस थीम पे कोचिंग स्टार्ट की और पिछले 28 साल बिना थके बिना रुकिया बिना करे मेरे काम करो और भी काम की खुशबू आ गई कि भाई पार्टी बुला रहा मन टिकट देर फतेहपुर को चुनाव के लिए भेजो। अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया मैं कोचिंग आराम से संभाल सके बातचीत करें तो भाई गांव में जन्म लियो तो गांव में के कुछ थे मतलब दुख दुविधा वो संघर्ष की आप बात करें तो देखो गांव में मेजर दिल में हा जब आपने लोग मानसिकता है कि भाई आपनो जन्म तो केवल छोटी नौकरिया के लिए है, टीचर बन जावा फौज में लाग जावा पुलिस में लाग जावा, लेकिन मैं क्यों नहीं आप डॉक्टर बनाऊंगा इंजीनियर बनाऊंगा। और आज था हर गाँव डाने हमारा बच्चा डॉक्टर, जो पिछले गांव में थे बारे सागर बैठे हो ये गांव के बच्चों IT पास आउट है, IT डिग्री कर ली नौकरी कर रहे बैंगलोर में। फतेहपुर का यहाँ कोई गांव को नहीं, जैसे मेरा पढ़ाया स्टूडेंट कम 1-2-3-4 डॉक्टर इंजीनियर नहीं, और कुछ लोग गांव का आदमी ना मानो सेकंड पायदान का आदमी है, लेकिन मेरे मानो गाँव का आदमी ने मौको दे दियो जाए तो वो बहुत आगे निकल जाए, और वो काम में करो और भी मैं सफल भी हुआ। देखा तो भाई शिक्षा के अंदर तो थे सफल रहा हो और बहुत सारा बच्चा ही लाखों बच्चा ही जो थाने गुरु माननी है और आज भी मैं माने थाने गुरु मान रहे। बातचीत करा तो गांव संघर्ष करो पढ़िया लिखिया बहुत सारे दुख दुविधा सुख दुख तो जिंदगी को पार्ट है वो तो आनो भी चाहिए। बिका बाद में फतेहपुर वापिस आनो थन, ये मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी कुछ घटता ईश्वरीय घटना होती है, मेरा जुनून और ईश्वरीय घटना। मेरा आपको बता दूं पिछले बार भी MP की टिकट मेरे घर पे आके गई, मैंने मना कर दिया कि मेरे बच्चे छोटे थे मेरा मूड भी नहीं था, ये फतेहपुर के MLA की टिकट मेरे घर पे आके गई थी मना किया। इस बार पार्टी ने एक बात की श्रवण जी बांधे चलेंगे नहीं, तो पता नहीं वो लोग मैंने क्या देख रहे थे आपके बच्चे बड़े हो गए अब थाना चुनाव लड़ना, मैंने कहा देख लो बस देख लो पार्टी ज्वाइन करा दी टिकट दे दी। लोग तो कहेंगे साहब कि पार्टी ज्वाइन करी तो अगला बात करे टिकट दे सिंह होंगी, मन तो अगला बोला भैया पार्टी जना ज्वाइन करेंगे टिकट लेंगे, ये पार्टी थी पार्टी का आदमी हो तो टिकट देर भेज दियो निश्चित बात मत आयो बड़ो टफ काम हो, तो 30 साल अठे बीजेपी जीत रही कोनी बिल्कुल। और मैं खुश भी थाने एक बात आऊं कि अठे कांग्रेस कदे कोन रही बीजेपी ने, अठे बीजेपी ने हरारी बीजेपी, अब वो एक देखो जा तो बादल छंट रहे हैं। दो मना के प्रयास हूँ भाजपा कार्यकर्ता हूँ हमारी CLC की टीम हूँ मेरे बचपन का दोस्त हूँ रिश्तेदार से लाग और मैं हटा दियो बादल ने, और 25 तारीख वोट पड़ेगा 3 तारीख ने राजस्थान को सौ आश्रित चक्र रिजल्ट को आओगे उन्हें फतेहपुर को आओगे।
बातचीत करना तो विपक्ष का लोग ही मैं बोलने लग रहे हैं कि भाई अब ही कहीं आया सरवन जी इतना दिन सरवन जी कठे हा मैं बहुत कुछ काम कर रहे हो मैं अत्य दिन शिक्षा का काम कर रहे हो भी मुड़ो काम ही को नहीं उसका है अरे वो काम बतो मनु करो मैं तुम टिकट दिए पार्टी नहीं अठे जगह लोग घूम रहे हैं बैठे के करा दियो साहब बैठे 20 सालों घूम रहे हैं तो मन तो एक चीज बता दो भाई कराई डी है भाई कोई समाज को काम करो है कोई चैरिटी करे नाम बता दो ब्याह घूम लिया अठे बी कर ब्याह घूम लिया और कठे घूम लिया काम कोई कौन करो फतेहपुर में कुछ भी नहीं है मतलब मन तो आश्चर्य हुआ साहब फतेहपुर के सारा गांव सड़क को नहीं अभी तक आज के टाइम में थे मानस को हो गए सारा गांव सड़क को जुड़ जाता अटक काम हुई कौन है विधानसभा में यहाँ के विधायक प्रश्न नहीं पूछ सकते कोई बात नहीं रख सकते यहाँ पता लगता है कि पुलिस चौकी में केस भी दर्ज कराने जाओ कोई आदमी पीड़ित तो विधायक से फोन कराना पड़ता है मतलब बहुत ही अलग तरह की राजनीति है कुछ बीजेपी के लोग हैं वो ये तब कहते हैं कि हमें टिकट दो तो बीजेपी है नहीं दो तो बीजेपी नहीं है तो बहुत सारे शायद ईश्वर मेरे माध्यम से फतेहपुर की कई सारी समस्या मिटाऊंगा बातचीत कराते थे गाँव गाँव ढाणी ढाणी घूम रहे हो तो क्या क्या समस्या थाने नजर आ रही है देखो समस्या अठे सारी ही अटैक डेवलपमेंट की बात ही को नहीं ठीक है यहाँ के बैंती लोग हैं सब खेती करते हैं अपना कमाई खाते हैं लेकिन प्रॉपर सड़क है बिजली है पानी है वो मूलभूत ढांचे बने हुए हैं पर डेवलपमेंट का मोमेंटम नहीं है पढ़ाई का लेवल भी यहाँ कोई बहुत बेटर नहीं है क्योंकि यहाँ जो विधायक बनते हैं उनका मतलब पढ़ाई के हुए क्योंकि अटैक पढ़ाई बहुत अच्छी उसका है अटैक स्पोर्ट्स बहुत अच्छे उसका अटैक का बच्चा फिजिकली बहुत फिट है क्योंकि फतेहपुर को आदमी -5 डिग्री ले और 50 डिग्री झेला है तो बिक की तरह जीन बहुत मजबूत हुआ चोरू का टच में है बिल्कुल वो जीन बहुत मजबूत हुआ है अटे स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करांगा मैं तो सपनों पालू 30 साल पहले मैं कही होगा हर गांव डॉक्टर बनाऊंगा इंजीनियर बनाऊंगा आज मैं सपनों पाल रही हूँ तो अगले 5 साल में फतेहपुर को कोई ना कोई बच्चों अंतरराष्ट्रीय खेल खेल रहा होगा अभी जो मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ मैं रोड ने बेकार कौन बताऊंगी क्योंकि अब बनेड़ी है दूसरी बात ये मूल रोड है थोड़ी सी ये मूल रोड है ये मूल रोड है एक चीज और की भाई पता को नहीं की जो रोड बना हुई जो टेंडर दी ही टेंडर छूटे भाई लोग किसा से कह रही है की रोड बना हुई पर बिक अंदर एक बिल्कुल नहीं है कोनी रहा एकदम क्लीन तक कौन रहा बस टायर ही उबड़ खबड़ ही चलता रही देखो बिक के पीछे कारण है की जब लोकल काम करो पर बिना अच्छा करो लोकल विधायक जब अपना कमीशन लेगा ठेकेदार से ठेकेदार क्या करेगा और सबको पता है इस वीडियो को जो देख रहे हैं कि मैं पैसे कमाने राजनीति नहीं आया भगवान की दया से मेरे पास 2 रुपए हैं ना मैं नाम कमाने के लिए आया हूँ सीएलसी के माध्यम से मेरा नाम किसी भी एमएलए से आज कम नहीं है तो ना मैं नाम के लिए आया हूँ ना मैं पैसे के लिए आया हूँ मैं केवल पार्टी के आदेश से मेरे फतेहपुर के आपके लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ आदेश तो पार्टी को हो या मान लो तो काम क्या पास बात कर ले तो काम अटे बहुत करांगा सबसे पहले बात तो मैं हर गांव में शिक्षा का माहौल क्रिएट करूंगा फिर ये सड़क कर जहां जो लिंक मिसिंग रोड है रोडें पूरी करेंगे बिजली की कार की व्यवस्था सब जगह होती है इनको पूरा करके गांव का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि गांव का जो जीने का तरीका अच्छा है इसको और अच्छा करेंगे और वो केवल थे जानो खुशबू जी शिक्षा कर सके मेरा एक ही टारगेट रखो शिक्षा गेम्स और एक चीज और मंडावा करनी पड़े फतेहपुर के मंडावा में टूरिस्ट लाइन लग रही है फतेहपुर आया को नहीं तो मालिक जेकी एली मंडावा में है बेली फतेहपुर में एक मिनट में तारी बात काटना चाहूंगी अब थे सोच रहे होगा कि भाई के वीडियो बनाया यो हलन लाग रहो है डगमगा रहे भाई रोड ही है क्या रही है मैं के करा हाँ बिल्कुल आपके पास तो मंडावा टूरिस्ट प्लेस बन रही है तो फतेहपुर को हेरिटेज बनाने का मेरा पक्का करेंगे ऐसा फतेहपुर में टूरिस्ट बनाए अब तारे बताओ मेटाबर आना 1984 में फिल्म बनी गुलामी बिक के बाद एक शूटिंग होनी फिल्म की एक फिल्म शूटिंग यदि खुशबू जी हुए है ना तो 10-15 करोड़ रुपया भी शहर में लोग खर्च कर जा तो समृद्धि बढ़ेगी आर्थिक बढ़ेगी और मंडावा में देखो हमेशा 3-4 फिल्म चलती रहे इसको कारण की अठा का विधायक बुद्धि को लगाई ये भी काम करा जा सके क्योंकि अगर एक चाय की दुकान भी खुला है तो मेरे हिसाब चाय की चुस्की मारने वाला बहुत लोग रोजगार मिलेगा बहुत रोजगार मिलेगा दूसरी बात एक और है अठा बारह फतेहपुर में तो 3 सरकार बढ़ सके एक भारत सरकार एक राज्य सरकार और एक साहब हमारे सेठ है सरकार भी है हमारा सेठ बहुत पिछड़ा है लेकिन मेजो को विधायक जीता है 20 साल लोग भाई सेठ कन जाए कौन से मारे चमड़िया पोदार दानुका भरतिया साहब अत्ता सेठ ही हटे के बाकी से की स्कूल बनाए रही कॉलेज बनाए रही बाकी जार भी हटे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जा सका लेकिन जगह विधायक ने लोग जिता हो वो इस तरह की मानसिकता को नहीं हो या सेठा की विचारधारा को नहीं हो तो भाई साहब क्यों मान पैसा देगा मेरे एक टारगेट वो भी रहेगा क्या मेरे सब पहले जो बड़ो फंक्शन हुआ भाई हमारे फतेहपुर का जन्मा जाए जो हमारा बाणिया बोला बाणिया जिसका आप पिछो खर्च कर संस्था बनाई बाको बाकायदा मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में उनका मैं सम्मान कराऊंगा फतेहपुर में क्योंकि साहब मैं पढ़ो तो चमड़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ पायो तो मैं तो एहसानमंद था माँ बाप के बाद मारे पे एहसान कोई को है तो सेठा को है साहब जिसका स्कूल बनाई तो मेरी बड़ी भाणे में डीओ ही छोटी भाण मेरी प्रिंसिपल है छोटी भाण टीचर है तो मैं चारों भाण भाई जिद पढ़ पाया कैसे मैं भाणिया कॉलेज बनाई तो मैं तो साहब भगवान और माँ बाप के बाद आभारी कोई कहा तो सेठा कहा बाकी जो पीढ़ी आज है
को सम्मान करा फतेहपुर में। बातचीत करा तो आज हमारी चुनावी चौपाल ही फतेहपुर के अंदर ही, तो काफी लोग हैं बोला कि सरवन जी ने एक बार यहाँ तो पूछ लो कि कितना गांव ही कितना वार्ड ही माने कुछ पतो ही कोनी कुछ ही तरीका मतलब कि माने कुछ भी बात तो सही है। चलो मान लो पतो को नहीं, पहली बात तो पतो 127 गांव है 60 वार्ड है, लेकिन जगह पतो है 20 साल में क्या कर रखे वह बता दो। तो आतो साहब अतो बोलो प्रश्न है, ए तो चार संख्या है, ए तो चार संख्या याद में 5 मिनट में कर सको, जो को आदमी फिजिक्स पढ़ाई है 25 साल तो वह चार संख्या भी याद कर सके, आई इंटेलिजेंसी है। तो ए तो साहब एक चाय की दुकान पे जो गांव का आदमी बैठे बिनी बेरो है तो फिर तो नेता बना घूमे भी बिन टिकट दे दो बेचारे ने, ए तो के अब और क्या रोक लगा मेरे पर है, ए छोटी छोटी बात नहीं ए बहुत ही, अरे लोग बोलो को नहीं मानी सारे यहाँ चौपाल में बुलाया जाए बेचारा भाई भेजा जाए यहाँ बोल रहा है। राजनीति की बात करें तो भाई थे बोल रहे हो कि भाई पार्टी मन बोली पार्टी विश्वास जताई पार्टी खुद मैंने यह चीज बोली फिर भी पहली थे सक्षम को नहीं है क्योंकि थारा बच्चा छोटा, बच्चा बड़ा होया तो थे पार्टी का अंदर आगा। एक बार यह बात में सुनी कि मैं तो कभी राजनीति में क्यों नहीं आऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो बुढ़ था, मैं तो मेरा दो देखो मेरी बात हो, मेरी तो 14 नवंबर की मेरे पूरे परिवार की टिकट बड़ी न्यूजीलैंड की 35 लाख की टिकट थी वो हमारी खत्म हुई, मारा तो मूड था। मेरा गांव रोसाव में है, मैंने अभी मेरे पुराना जो पुस्तरी घर था ना उसको 28 अगस्त को ठंडा करके नया मकान बनाने का पाया लगाया, मुझे चुनाव का मूड होता तो खुशबू जी थे भी समझदार हो मैं मकान क्यों छोड़ू हूँ, मैं आज मेरे गांव में मेरे पुराने दादा की हेली है भी बस छोड़ो पड़े, मारो खुद को बहुत अच्छा मकान दादा वो पुराना मकान है 100 साल तो भी माथे दिक्कत भी रहे तो ठीक है खुशी आओ दादा को बनाए है तो बाकी मकान क्यों छोड़ा हमें, तो बिल्कुल मूड नहीं था मेरा बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ मेरा हरिवंश राय बच्चन की बात जो अमिताभ से कही कि मन का हो जाए तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, राजनीति से मेरे मन की नहीं है भगवान के मन की है, क्यों अपने मन का नहीं हो रहा है तो हरी इच्छा है ईश्वर इच्छा है, ईश्वर के द्वारा इच्छा हुई कि मुझे राजनीति में आना है और एक बहुत स्पष्ट वीडियो से कह रहा हूं मेरा राजनीति में आना, हो सकता है मेरी बात दम लगे किसी दम लगे, मेरा राजनीति में आना फतेहपुर की राजनीति की नई तस्वीर बनने का पहला प्रमाण होगा। बातचीत करा तो भाई 25-30 सालों अड़े बीजेपी है वो अपना जमा को निभाई है और क्या लगा कि अब की बार बीजेपी निकाल पाएगी सीट, जीत 100% श्योर है। एक राजनेता भाषण में 36 कौम के लोग, पहली बात मैं तो कौम जानता भी कोई नहीं, मैं तो कोचिंग में कोई टावर में पढ़ा दियो, अब बिरो पड़े जात धर्म के लोग बात करें 36 कौम और हर धर्म का व्यक्ति कोई वोट दे रहे हो फतेहपुर में तो वो श्रवण को है, जो कांग्रेस प्रत्याशी है कोई धर्म का नाम वोट ले रहे हैं, निर्दलीय ही वे जात का वोट ले रहे हैं, कुछ लोगों ने बावड़ा बना सी, बाकी 36 कौम के पूरे वोट जो है वह भाजपा ने मिलेगा, 125,000 वोट लगभग भाजपा के सिंबल पे फतेहपुर आऊंगा वो वीडियो थर पड़े है। आप बातचीत कर ले तो अगर फतेहपुर की जनता आगे तो के कुछ हुआ वो पतो को नहीं, फतेहपुर की जनता प्यार आशीर्वाद सब कुछ थारों पर बना हुआ है, अगर बीजेपी ठाव निकल जाए सरवन जी निकल जाए ही तो के कुछ काम करवाऊंगा के मुद्दा ही था। मैंने आपको पहले कहा मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि यहाँ के गाँव में शिक्षा चौपाल करूंगा, मैं गाँव में जाऊंगा शिक्षा चौपाल करूंगा, सबसे पहले 6 महीने तो मैं जागृति पैदा करूंगा यार, जैसे मैंने एक योजना बनाई है गाँव में सब जगह मंदिर है पर आरतियां किससे हो रही है मशीन से हो रही है, तो भैया करोड़ों रुपए लगाए मंदिर बना दिया, 4 जवान बच्चे जा यूथ हुआ आरती नहीं कर सकती तो फिर उस मंदिर का हमें कोई बहुत फायदा तो नहीं हुआ ना, इसलिए मेरा पहला मिशन यही है कि गांव में जैसे आपने सीएलसी में थर भी जानो कि हमारे शाम को 7 बजे रोज असेंबली हुआ, मैं गांव में 7 बजे सब जगह पर असेंबली शुरू कराऊंगा कि गांव का 50-60-100 बच्चा बैठे और हनुमान चालीसा पढ़े, जो इस्लाम को मानते इस्लाम को बच्चे आपकी नमाज पढ़े जो धर्म है और मन ओ बेरो कि यदि 50 बच्चा 15 मिनट नाम ली भगवान को तो बाकी बॉडी में थे भी तो समझ सको कि एक पॉजिटिव वाइब पैदा हुआ। आपको कहा कि अरे मंदिर में बैठ झूठ मत बोली यार, अरे मंदिर बैठ को चुगली मत करी, मतलब मंदिर मतलब क्यों बस जगह पवित्र है, मेरे एक मकसद रहे सब पहले तो अन्न मन जानो पड़ेगा मेरे लेवल पर अटावरा ने बिक के बाद आप गांव गांव में कटे लाइब्रेरी है कटे ऑनलाइन क्लास है टेस्ट सीरीज है वो पूरा खाको दिमाग में आसार संहिता कारण कुछ बात बोल को नहीं पावा। मैं तो एक तन खुशबू जी कह सकू हूँ कि एक साल के बाद मैं थाने एक वो वीडियो दूंगा जो को शायद राजस्थान में एक अपने सेपरेट वीडियो होगा और मेरे काम को वीडियो होगा, आप यदि मुझे ढंग से जानते हो तो मैं मेरी जिद का बहुत पक्का आदमी हूँ, जो आदमी सीकर को शिक्षा नगरी बना सकता है तो मैं यहाँ दिलों पर राज करने आए लोगों के करके जाऊंगा जाऊंगा कहने ना मेरे को, मैंने गांव में घर बना लिया फतेहपुर में घर खुद का ले लिया, मैंने बच्चे मेरी कोचिंग संभालेंगे, जिंदगी में हमेशा मैं काम करूं एक ही काम को बच्चे करेंगे उनका काम, लोभ लालच वो तो मेरे को जानते हो पता मनी मन कभी नहीं रहा, मैंने पैसा कमाया है पर मैंने पैसे लिए काम कभी नहीं किया, मैंने काम करके पैसा कमाया न कि काम पैसे के लिए किया, मैंने दो तरीके होते हैं एक आदमी पैसे के लिए काम करते हैं एक काम करके पैसा कमाते, मैंने काम करके पैसा कमाया। शायद आपको यकीन नहीं होगा
मेरे को तो खुद कितनी प्रॉपर्टी है, भी जब चुनाव में फॉर्म भराना तो पता लगा कि हाँ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इसमें ध्यान देता ही नहीं। अच्छा, के आ रहे हो है, के जा रहे हो है। अपना एक टीम से देखती, मेरा काम केवल बच्चों संतुष्ट करना, मेरा जो कोचिंग का बच्चा है जो गार्जियन है वो आ नहीं कर जाके थे हमारे साथ गलती कर ली, बामाना कोई कही 29 साल कि थे ज्यादातर तो अपने जो कोचिंग है बिना ही टाइम दियो है, बिल्कुल बिना सब कुछ मानो है, पूजो है, सब कुछ करो है। बिल्कुल है। जब भी थे फतेहपुर में आया करता तो थारे माइंड में किस चीज चला करती, गांव में जाता या शहर में जाता कि यार अठे सी कमी है, यो ठीक हुयो है कोई। आप बात थे बड़ी अच्छी खुशबू जी, मैं 1990 में छोड़ गयो फतेहपुर, हर शहर बढ़िया ही फतेहपुर भी पिछाए है, तो मैं दर्द तो होता कई बार, पर सीधी सी बात है मैं मेरी मेरे बच्चों से मिल लिया, मेरा ध्यान पढ़ाई रहता था, पढ़ाई का तो बच्चा मिल जाता, एक कहते भाई मेरे पढ़ने भेज दे बाहर में ले जाता, बाकी इंफ्रा है इन पे मैंने बात, क्योंकि मेरा उसमें घर की बात पोल्ट्री मामला था, ये काम राजनीति का है ये होता रहेगा, मेरा काम शिक्षा का था, और शिक्षा के लिए मुझे कहीं भी कोई बच्चा मिल गया, कोई झोपड़ी खोपड़ी मिल गई उनको ले गया, फोन कर दिया और पढ़ा दिया उनको मैंने, ये काम किया। जीवन क्या कुसो के गुजरे हो, मतलब बचपन में माता पिता के? मेरे फादर टीचर रहे, मैं गांव के हिसाब से बहुत अच्छे परिवार जन्मा हूँ, अच्छी मेरी खेती बाड़ी है, और मेरा गाँव के हिसाब से मेरा परिवार बहुत समृद्ध परिवार रहा हुआ है। मेरी बड़ी दीदी ने जो आज डीओ है उन्होंने 82 बीए कर लिया था, मेरे फादर टीचर रहे हैं, और बहुत अच्छा गांव का सब बेसुलझा परिवार रहा मेरा। तो लास्ट में जाता जाता जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बन के कुछ थे बोलना चाहूंगा मैं, एक ही बात कहना चाहूंगा, फतेहपुर में आप भाजपा को वोट करें, भाजपा को जिताएं, जात पात धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर आके एक बार आप फतेहपुर के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए, गेम्स के वोट करें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप ये 5-10 दिन, आज ये 15 नवंबर का इंटरव्यू है, 25 को वोट है, ये 8-10 दिन आप मुझे दे दो, मेरा पूरा अगला जीवन आपके नाम है, फतेहपुर की नई तस्वीर बनाएंगे, वैसे ही जैसे सीकर की पिपला रोड की तस्वीर बनी हुई है, और मेरा पूरा अगला जीवन फतेहपुर जनता के नाम है। राम राम साहब। लगातार वीडियो के माध्यम से देखो कि भाई मेरे साथ में सरवन जी जो फतेहपुर से अभी बीजेपी की टिकट मिली है, और देखा तो लगातार गांव ढाणी लोगों के बीच में जा रही, और छोटो से एक मारो इंटरव्यू हो कि भाई एक छोटा सा गांव निकल की संघर्ष करके और सिक्कर ने एक शिक्षा नगरी बनाई, सबसे पहला यही है सरवन जी ही, और काफी सारा लोग आज माननी ही पूजी ही, क्योंकि बहुत सारा लोग गरीब हो चाहे अमीर हो बा बच्चा नहीं है शिक्षा ही बदी। तो वीडियो ने शेयर लाइक और कमेंट जरूर करियो, राजनीति में की कुछ चल रहे है कि कुछ थारे एरिया के अंदर लाग रहे वो जरूर कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।